गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1. प्रीवियसली वी कम्प्लीटेड 4 क्वेश्चन एंड नाउ द 5th क्वेश्चन इज लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए. लाइन एल है हमारे पास एक, वो बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना ऑफ एन एंगल ए. सो लाइन एल विल डिवाइड द एंगल इन टू पार्ट्स, तो दिस विल बी द फर्स्ट एंगल एंड दिस विल कॉल सेकेंड. ठीक है, ये हमने एज्यूम करा है. नाउ बी इज एनी पॉइंट ऑन लाइन एल. एल हमारे पास ये लाइन थी, इस पे बी एक पॉइंट है, ये फिगर ऑलरेडी गिवन है आपको. नाउ बी पी एंड बी क्यू आर द परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री एंगल. ठीक है, फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए. ठीक है, जो आर्म्स ऑफ एंगल ए की है उन पे क्या है, परपेंडिकुलर्स है. नाउ शो दैट ट्रायंगल ए पी एंड बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, इन दोनों को हमें क्या करा है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इन्हीं ट्रायंगल्स में हम अज्यूम कर लेंगे इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी. ठीक है, अब यहाँ देखो एंगल वन और एंगल टू इक्वल है, बिकॉज लाइन एल जो क्या करती है, बाइसेक करती है. बाइसेक मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी एंगल वन को. सो एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू लिख सकते हैं, बिकॉज एल बाइसेक्ट एंगल ए. ठीक है, नाउ सेकेंड इज बोथ ऑफ दीज एंगल्स आर 90 एंड 90. सो एंगल ए क्यू पी इज इक्वल्स टू एंगल सॉरी ए पी. यहाँ पे ट्राइंगल ए पी भी है तो इस ट्राइंगल में ही लेंगे, और यहाँ पे एंगल टू होगा और ये एंगल वन. ठीक है, जिस ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग ले रहे हैं फर्स्ट, उसी ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग जो उनकी एंगल्स या साइड होंगी उनको लिखते हैं हम. ठीक है, तो ए पी बी किसके इक्वल होगा, ए क्यू बी के, एंड ईच एंगल विल बी 90. एंड थर्ड वन इज ए बी क्या है, दोनों में कॉमन है, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी बोथ कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स. ट्राइंगल क्या हो गई हमारे पास दोनों, ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी. ठीक है, वैसे तो ये क्या होगा, राइट हैंड साइड कॉन्ग्रेंसी रूल से, बट हमने वो इसमें थ्योरम में नहीं आया ना ही एग्जाम में, तो ये क्या हो जाएगा, ए एस ए, क्योंकि यहाँ दो एंगल्स है और एक साइड है, तो ए एस ए कॉन्ग्रेंसी रूल से क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो गया. अब नेक्स्ट क्या है, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू. अब यहाँ देखो बी पी इस ट्राइंगल में आता है एंड बी क्यू इस ट्राइंगल में, तो क्या हो गया हमारे पास, सी पी सी टी से हम बोल सकते हैं उसको, तो बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू बाय सी पी सी टी. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फिगर ए सी इज इक्वल्स टू ए ई. ए सी इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, ए ई. ओके, यहाँ पे ई है. ठीक है, अब यहाँ देखो जब भी ये डबल डबल इक्वल है तो ये साइड इसके इक्वल है, जब सिंगल इक्वल है तो ये इसके इक्वल है. ठीक है, इन केस यहाँ पे डबल इक्वल होता और यहाँ डबल इक्वल होता तो ये दोनों आपस में इक्वल होती, तो अब ये जो इक्वल है ये इन दोनों के इक्वल नहीं है. ठीक है, तो इनको सिंबल से अलग से डिनोट करा है ताकि हम बता सके कि कौन से किसके इक्वल है. ए बी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है. ठीक है, एंड एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी का है यहाँ पे, इज इक्वल्स टू हमारे पास एंगल गिवन है इस एंगल के, तो मतलब एंगल वन मान लेते हैं इसको और इसको एंगल टू. ठीक है, ताकि हमें हर बार ये ना लिखना पड़े. अब हमें यहाँ शो क्या करना है, बी सी, बी सी किसके इक्वल बताना है हमें, डी ई के इक्वल बताना है. ठीक है, एंड डी ई है तो हमारे पास एक लाइन यहाँ से है दिस. अब हमें प्रूव क्या करना है, बी सी एंड डी ई आर इक्वल. तो फर्स्टली यहाँ देखो बी सी कौन से ट्राइंगल का हो जाएगा हमारे पास, एक साइड ए बी सी की. ठीक है, एंड डी ई किसका हो जाएगा, ई ए डी ट्राइंगल का. ठीक है, लेकिन हमारे पास एंगल किसका है, ए बी डी का गिवन है और ए ई ए सी का गिवन है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनका पूरा ये एंगल निकाल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से और यहाँ तक इस साइड तक. तो फर्स्टली क्या गिवन है हमारे पास, बी ए डी गिवन है, किसके इक्वल हमारे पास, ई ए सी के इक्वल. ठीक है, अब यहाँ देखो इन दोनों में यही कॉमन पार्ट ऐड होके ये इधर तक होंगे, तो हम क्या इसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पे. सो एडिंग एंगल क्या होगा इसका नेमिंग, बी डी ए सी. सो एंगल डी ए सी हमने क्या करा है, बोथ साइड ऐड करा है
एडिंग डी ए सी ऑन बोथ साइड, सो वी गेट दैट बी ए डी में अगर हम डी ए सी एड करेंगे, यहाँ देखो बी ए डी यहाँ तक है, ये जो एंगल है वन, इसमें अगर हम ये एंगल ऐड कर देंगे पूरा क्या बन जाएगा, बी ए सी तक बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर हम ई ए सी में ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा ये एंगल यहाँ से और यहाँ तक का बन जाएगा ई ए डी, ठीक है। सो दिस एंगल विल बी बी ए सी एंड दैट विल बी इक्वल टू एंगल ई ए डी, ठीक है। अब एंगल इक्वल हो गए, हम क्या लेते हैं, हम ट्राइंगल्स लेते हैं जिसमें बी सी एंड डी ई वो लाए कर रहे हैं, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल। अब यहाँ देखो डी ई किस में आ रहा था, ई ए डी में, सो ई ए डी, ठीक है। अब ए बी सी में देखो, यहाँ पे ए बी सी उसमें हमारे पास एक साइड ए बी गिवन है और वो किसके इक्वल है, ए डी, और ए डी किस इस ट्राइंगल में लाए कर रहा है दूसरे में, ऑब्वियसली। सो क्या हो गया हमारे पास, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी एंड दैट इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है। अब ए बी सी में एक और साइड हमारे पास ए सी एंड दैट विल बी इक्वल टू ए ई, सो ए सी इक्वल हमारे पास गिवन है ए ई के, ऑलरेडी गिवन है और हमने अभी ये एंगल प्रूव कर दिए हैं यहाँ पे, सो एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ई ए डी, प्रूफ ऑलरेडी, ठीक है। सो क्या हो गया हमारे पास, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई बाय एस ए एस, क्योंकि यहाँ पे दो साइड है तो एस ए एस रूल से क्या हो गया हमारे पास, ये कॉन्ग्रेंट हो गई, तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या हो जाएंगे इनके, इक्वल बाय सी पी सी टी, ठीक है। जो प्रूव करना होता है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं उनकी ट्राइंगल्स, यहाँ पे एंगल्स उन ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं थे तो इसीलिए हमने उनको आगे एक्सटेंड करा है, उसमें सिर्फ यही कॉमन पार्ट था जो ऐड करने पे दोनों एंगल्स यहाँ तक उस ट्राइंगल में लाए कर जाएंगे जिसकी हमें साइड निकालनी है, और इधर वाले में ही इतना ही ऐड करने पर उस साइड की दूसरी वाली साइड आ जाएगी, ट्राइंगल की दूसरी साइड, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी हमारे पास लाइन सेगमेंट है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब अगर ये साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, ए बी के दोनों क्या है हमारे पास सेम साइड पे है डी एंड ई, सच दैट एंगल बी ए डी, अब बी का पॉइंट है बी ए एंड डी, ठीक है। बी ए डी हमारे पास किसके इक्वल गिवन है, ए बी एंड ई, मतलब ये एंगल और ये एंगल हम इनको नेम कर देते हैं वन एंड टू, एंगल वन और टू क्या है इक्वल गिवन है, और इनको नेमिंग कर देते हैं थ्री एंड फोर, ये दोनों भी क्या है हमारे पास इक्वल ऑलरेडी गिवन है। शो क्या करना है, डी ए पी, अब यहाँ देखो डी ए पी, ठीक है, इसको हमें कॉन्ग्रेंट किसके प्रूफ करना है, एंगल ई बी पी, ई बी एंड पी के हमें क्या करना है, इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन्हीं ट्राइंगल्स को डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, फर्स्टली ए सॉरी डी ए पी, इस ट्राइंगल में वन एंगल है और इस ट्राइंगल में क्या है हमारे पास सेकेंड एंगल है, तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू हो गया, गिवन है हमारे पास, ठीक है। ए बी और इज इक्वल टू बी पी, क्योंकि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन, सो ए बी ए पी किसके इक्वल हो गया, पी बी के, बिकॉज पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों तो हो गए, अब थर्ड क्या ले हम, देखो ये एंगल जो है ये सिर्फ किस में है, ये देखो डी ए पी, इसमें पूरा एंगल तो है नहीं है तो हम इसको तो ले नहीं सकते, आधा एंगल ये तो इस ट्राइंगल का हो जाएगा, ये जो छोटी वाली है सिर्फ इसका, तो हम क्या करेंगे इसमें सेम लाइक प्रीवियस क्या करेंगे, पहले इनको ऐड और इस सॉल्यूशन को इन ट्राइंगल्स के पहले कर लेना, तो ये क्या है हमारे पास एज एंगल क्या गिवन है हमारे पास, ये एंगल इनका नेमिंग है ई पी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी पी बी, गिवन है हमारे पास। इसमें हम क्या करेंगे, ये कॉमन पार्ट अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, डी ए पी में ये वाला एंगल पूरा बन जाएगा डी पी ए एंड ई पी बी वाली ट्राइंगल में ये एंगल पूरा बन जाएगा, जिससे हम इन ट्राइंगल में उनको पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड क्या करेंगे, एडिंग एंगल ई पी एंड डी ऑन बोथ साइड
ऐड करने पे क्या हो गया हमारे पास, दिस एंगल विल बी ए पी एंड डी बन गया, और दूसरे वाला एंगल क्या बन जाएगा, बी पी एंड ई. ठीक है, इसको ये पूरा स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के यहाँ अज्यूम करने से पहले लिखना है. ठीक है, नाउ एंगल ए पी डी किसके इक्वल हो गया हमारे पास, एंगल बी पी ई के इक्वल, ऑलरेडी प्रूव्ड. ठीक है, सो अब क्या बन गया, ये दो एंगल और एक साइड, तो इससे क्या हो गया हमारे पास, ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट बाय ए एस ए रूल, बाय ए एस ए रूल. ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट क्या है, ए डी. ए डी हमारे पास किस ट्रायंगल का, डी ए पी ट्रायंगल की साइड है, एंड बी ई हमारे पास ई पी बी ट्राइंगल की साइड है. तो सेकंड क्या हो गया, सी पी सी टी से हमने प्रूव कर दिया, ए डी इजुगस टू बी ई किससे प्रूव हो जाएगा, बाय सी पी सी टी. ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू.